नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षिदा और आप सभी का मेरे चैनल कुक विद हर्षिदा में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं खमन ढोकले की रेसिपी दोस्तों, जो गुजरात में काफ़ी फेमस है। और अगर आप बनाएंगे इस तरह से इस वीडियो को देख के, तो आपके खमन ढोकले भी ऐसे ही बनेंगे। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों, पहले हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हमने 1 गिलास के करीब पानी लिया है। पानी में दोस्तों हम 1 चम्मच के करीब चीनी ऐड करेंगे, साथ ही स्वाद के अनुसार यहाँ पे हम नमक भी ले लेंगे दोस्तों। और नमक जैसे ही हम डालते हैं, तो इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब नींबू के फूल। नींबू के फूल ऐड करने से दोस्तों क्या होगा, हमारे खमन ढोकलों में एक बहुत ही अच्छी सी खटाश आएगी। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, 1/2 टीस्पून जितना इसको ऐड करना है। और इसे हमें मिक्स करना है, लेकिन कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो 1 चम्मच के करीब दोस्तों हम जो तेल है उसे हम ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने से खमन ढोकले काफ़ी एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच के करीब तेल ऐड किया है और इसे भी ऐड करके मिक्स करना है। ये सारी चीज़ें अच्छे से घुल जानी चाहिए दोस्तों। और साथ ही 1/4 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। इससे बहुत प्यारा कलर आएगा हमारे ढोकलों में। इसको भी हमें मिक्स कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से एकदम मिक्स हो जानी चाहिए दोस्तों। तो 1 गिलास पानी लिया है। अब यहाँ पे जो बेसन का प्रोपोर्शन है वो हम 2 कप के करीब लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। एक साथ पूरा बेसन इसमें ऐड नहीं करेंगे। बेसन ऐड करने से पहले एक खास आपके लिए टिप है कि जब भी आप बेसन ऐड करते हैं, तो बेसन को पहले आप छान लें छन्नी से, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। कि जब आप इसमें बेसन को छानते हैं, तो जो भी लम्स होते हैं दोस्तों वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा बेसन ऐड करते जाना है और इस तरह से हमें इस घोल को तैयार कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे घोल एकदम दोस्तों तैयार हो चुका है। तो हम इसको 10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं। तो ढक्कन लगा के हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे दोस्तों। 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारा घोल काफ़ी अच्छे से रेस्ट कर चुका है। तो इसमें 1 टीस्पून के करीब यहाँ पे खाने वाला सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे। और एक ही डायरेक्शन में हम इसको इस तरह से घुमाते जाएंगे दोस्तों, अच्छे से इसे मिक्स करते जाएंगे। और जिस तरह से आप मिक्स करेंगे दोस्तों, आप देखते जाएंगे कि आपका जो घोल है ये काफ़ी फ्लफ़ी तैयार होता है और इसका जो कलर है वो भी यहाँ पे चेंज होता जाएगा। आप देख सकते हैं हमारे बैटर का जो कलर है चेंज हो चुका है। यहाँ पे मैंने इस तरह से एक मोल्ड को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस पूरे बैटर को हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस ऐड करते हुए भी ध्यान रखें कि पूरा बैटर ना भरे, मतलब पूरा जो मोल्ड है वो ना भरे। लाइक हाफ मोल्ड आपको इसको इस तरह से भरना है और इसको थोड़ा सा हम टैप करेंगे। और हमने जो स्टीमर रखा है, यानी कि इस तरह से एक कढ़ाई रखी है जिसमें हमने पानी को बॉईल करने रखा था, काफ़ी अच्छे से खोल चुका है पानी। तो इसके अंदर एक स्टैंड रखा है, इसमें इस मोल्ड को बहुत ही सावधानी से रखेंगे दोस्तों, ये देखिए। और फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद ही इसे हम खोल के चेक करेंगे, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे। ये खास बात, इस बात का खास ध्यान रखें। तो यहाँ से 15 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, हमारा जो चाकू है बहुत ही आसानी से बिना चिपके निकल आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसका जो तड़का है उसे तैयार कर लेते हैं। एक छोटे से फ्राइंग पैन में हमने तेल ऐड किया है। तेल के गर्म होते ही राई के दाने ऐड करेंगे, साथ ही हरी मिर्चियाँ इसमें ऐड करेंगे और फिर हम ऐड करेंगे पानी। तो खमन में हमेशा खूब सारा पानी ऐड किया जाता है, जिससे वो काफ़ी सॉफ्ट तैयार होते हैं। तो ये देखिए, पानी हमने ऐड करने के बाद इसमें स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है। जब आप मार्केट में खमन ढोकले खाते हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर वो काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं, प्लस उसमें काफ़ी लाइक आप गीला गीला आपको फील होता है, वो यही चीज़ होती है। इस तरह से तड़का तैयार किया जाता है। तो हमारा तड़का एकदम रेडी हो चुका है और खमन ढोकला जो हमारा है वो एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो ये प्रोसेस एकदम ठंडा होने के बाद करें, बहुत गर्म गर्म नहीं हमको ये सारी चीज़ें करनी है। जब ठंडा होता है तो बहुत आसानी से निकल आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ठंडा होने के बाद हम इसमें कट लगा देंगे इस तरह से, और ये आप देखें बहुत ही आसानी से कट लग जा रहे हैं। इसमें गर्म होगा दोस्तों तो ये टूट जाएगा, जब आप इसे कट करने जाएंगे तो ये टूट जाएंगे।
तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही इस तरह पीसेस में कट करें, ये देखिए। और जिस लाइक जितने साइज़ के आपको इसे कट करना है उतने साइज़ में आप इसे कट करें, जो शेप में कट करना है। मैं इस तरह से कुछ स्क्वायर शेप कट कर रही हूँ। और हमने जो तड़का तैयार किया है ना दोस्तों, उसे भी एकदम गर्मा गर्म इसमें नहीं ऐड करना है, हल्का सा ठंडा होने देना है और फिर इसे ऐड करना है। तो ये हम इस तरह से इसको अच्छे से ऐड कर लेंगे। जो पूरा पानी है ना दोस्तों, ये हमारा खमंड इसको एब्जॉर्व कर लेगा और बहुत ही अच्छे से एकदम जालीदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे हमने तड़के को ऐड कर लिया है और ऊपर से हम इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। और लगभग वापस से ये सब करने के बाद 10 मिनट के रेस्ट देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एकदम जालीदार जो खमन ढोकला है ये रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी बना है, तैयार हुआ है एकदम। तो आपको यहाँ पे जालियाँ भी दिख रही होंगी खमन ढोकले में। तो अगर आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें इस रेसिपी को। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की ये जो रेसिपी है ये कैसी बनी। बाय बाय।